में जो अपराध हुआ उसके बाद से घमासान मचा हुआ था। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस को एक हफ्ते का समय दिया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने वो समय ना देकर के सीबीआई को जांच सौंप दी है। क्या कहना है? देखिए, इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है। लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप, ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। में जो अपराध हुआ उसके बाद से घमासान मचा हुआ था। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस को एक हफ्ते का समय दिया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने वो समय ना देकर के सीबीआई को जांच सौंप दी है। क्या कहना है? देखिए, इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है। लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप, ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।